हाय फ्रेंड्स, बड़े दिन बाद आया हूँ भैया। चीखना चिल्लाना नहीं, खैर कुछ इश्यूज थी, इस वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया था। इस बार की वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। खैर, अब ये तो ही पुरानी बात, इससे क्या लेना देना, नहीं हुई, छोड़ो, जाने दो। खैर, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टेक की कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में जो कि आपको नहीं पता होंगी, और मैं टॉप 5 ऐसी मिथ्स उठाने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं टेक यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मयंक, और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी हमारा देश काफी ज्यादा अंधविश्वासों से भरा हुआ है, जहां पे हम कोई भी बात सुन लेते हैं और बस उसे दौड़ पड़ते हैं। उस बात को हम जानने समझने की कोशिश नहीं करते कि भैया क्या वो सही बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बस लगे हैं क्या है। इसी तरह टेक की दुनिया में भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि हम सुनते हैं और बस उसमें लग जाते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप का मैसेज ले लो, भैया ये मैसेज 14 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना कल तक आपके साथ बहुत बुरा होगा, और हम भेजते रहते हैं रात भर, और अगले दिन अगर एग्जाम हुआ है। ये तो बात हुई अलग। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मिथ्स की बात करूं तो ये है कि भैया हमारे फोन में जो हमारे ऊपर साइड पे नेटवर्क का खंबा रहता है वो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर हमारा सिग्नल क्वालिटी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, वो जो सिग्नल का खंबा होता है जो हमारे फोन में ऊपर साइड की ओर दिया हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हमारे फोन से हमारे जो नजदीकी टावर है उससे डिस्टेंस कितनी है। अगर वो फुल बता रहे मतलब आप काफी ज्यादा पास है, और अगर वो दूर बता रहे या फिर कम बता रहा है इसका मतलब आप अपने नजदीकी जो टावर है उससे डिस्टेंस आपकी थोड़ी दूर है। तो अगली बार अगर आपको कभी भी नेटवर्क कम या ज्यादा देखने को मिले तो ये मत बोलिएगा कि नहीं भैया मेरे में तो लगता है सिग्नल सही नहीं है या फिर फुल है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले अगर मिथ की बात करूं तो ये आती है कि भैया अगर हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो हम सेफ हैं, हमको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अब देखिए, हर ब्राउजर में चाहे वो मोजिला हो, क्रोम हो, कोई भी हो, एंड्रॉयड फोन हो, पीसी हो, मैक हो, कहीं भी आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसमें प्राइवेट विंडो जरूर होती है जिसको हम इनकॉग्निटो विंडो भी बोलते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को ये लगता है नहीं भैया हम प्राइवेट मोड पे जाएंगे, प्राइवेट विंडो ओपन करेंगे, चुपचाप सर्च करेंगे, अपने काम का काम देखेंगे और बंद। खैर दोस्तों, को ये लगता है सभी को कि नहीं भैया हमने जो भी उसमें देखा वो हमें किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चला कि हमने क्या देख लिया, क्या चला लिया, क्या हमने ऐसा चोरी छुपके देख लिया। ऐसा नहीं है। दरअसल देखिए, हाँ ये बात तो मैं मानूंगा कि आप जब भी उसमें कुछ भी ब्राउज करते हैं प्राइवेट मोड पे जाके, तो वो जो डेटा है आपका, जो भी आपकी हिस्ट्री है, कुकी डेटा है, वो आपका स्टोर नहीं होता ब्राउजर में। लेकिन भैया आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या जवाब दोगे? मतलब ये है कि देखिए, आप यहां से तो अपने डेटा बचा ले रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आपका पूरा डेटा अवेलेबल होता है कि भाई आप क्या वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कितने देर आप क्या देख रहे थे, क्या चला रहे थे, ये सब चीजों के बारे में उनसे आप नहीं छुपा सकते। तीसरे मिथ की बात करूं तो ये आती है कि भाई जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना मस्त हमारा होगा कैमरा। तो देखिए, इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर पिक्सल क्या होता है। तो देखिए, पिक्सल जो होता है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है जिससे हमारी इमेज तैयार होती है। अब कई सारे मतलब हजारों लाखों छोटे छोटे डॉट से मिलकर एक इमेज तैयार होती है और वही होती है पिक्सल। लेकिन जो एक्चुअल में अब देखिए, अब फोन मार्केट में तो इतने सारे कैमरा मौजूद हैं कि हम बता नहीं सकते 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 15, 16, 20 मेगापिक्सल, वो भी किसके साथ, मूनलाइट कैमरा, चेहरा कैसे बिगाड़ेंगे, इस तरीके से काफी ज्यादा चेहरा बिगाड़ने के लिए भी आते हैं। अब इस चेहरे को कितना बिगाड़ लोगे भाई। तो अब ये तो हुई भैया कि क्या होता है पिक्सल। अब देखिए, अब समझने की बात करें हम तो कोई भी जो कैमरा होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ा दो और हमारा काम चल जाएगा, हमारा कैमरा परफेक्ट हो जाए। कैमरा तब परफेक्ट होता है जब उसका कैमरा मॉड्यूल पूरा परफेक्ट हो, मतलब कि उसमें आपका हो गया लेंस कौन सा है, लाइट सेंसर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इन सभी कंपोनेंट्स को मिलकर जो कैमरा मॉड्यूल तैयार होता है उससे बनता है एक परफेक्ट कैमरा।
अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं बता दूं तो आईफोन जो 6 है ठीक है, उसका कैमरा सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो मार्केट में मिलने वाले 13 मेगापिक्सल के कैमरे को भी थोड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो उन सब चीजों से काफी, उन जितने भी 13 मेगापिक्सल वाले कैमरे हैं उनसे काफी ज्यादा बेटर है। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा अभी ये जो चलन चला है, भैया मेरे पास जो कैमरा है ना उसमें तो DSLR फेल है, ऐसा नहीं है। कोई भी फोन कैमरा कभी भी DSLR को टक्कर नहीं दे सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चौथे में इसकी बात करूं तो ये आती है कि भैया जितने ज्यादा कोर होंगे उतना तेज हमारा फोन चलेगा, मतलब कि भैया बस कोर बढ़ाते जाओ और हमारा फोन इतना तेज चलेगा कि सीधे पहुंच जाएगा चांद पे, ऐसा नहीं है। देखिए अब कोर्स मानता हूं कि भैया जरूरी है कि अभी जिस हिसाब से हमारा जनरेशन चल रहा है, जिस हिसाब से एप्स डेवलप हो रही है, कि हमें ज्यादा बेटर फोन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है ठीक है, तो आप क्या करेंगे उतना ज्यादा कोर वाला फोन लेके। अब देखिए कुछ एप्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे डेवलप होते हैं कि भैया वो सिर्फ आपके सिंगल कोर या फिर ड्यूल कोर में ही आपके रन हो जाते हैं। बाकी क्या, मान लीजिए अगर आपने ऑक्टा कोर प्रोसेसर लेके रखा है, आपके फोन में एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन अगर वो आपके जो एप्स जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं वो सिर्फ आपके ड्यूल कोर में ही रन हो जा रहे हैं, वो उसी के लिए डिजाइन किए गए, तो बाकी की जो आपकी कोर्स है वो तो वेस्ट जा रही है, ब्लैंक है, कोई मतलब नहीं। तो जरूरी नहीं है कि भाई जितना ज्यादा कोर्स हो उतना बढ़िया हमारा फोन चले, और उतनी मजेदार आपको स्पीड भी नहीं मिलेगी, उतनी मजेदार आपको परफॉर्मेंस उसकी तब देखने को मिलेगी जब आप उस हिसाब से ऐप इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई फुल HD वाली वीडियो प्ले करते हैं ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया जो आपका जो प्रोसेसर है 8 कोर्स वाला, मे बी उसकी वजह से आपको वीडियो देखने में आपको उतना मजेदार ना है, या फिर उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है उसकी वजह से आपको देखने में उतना मजा ना है। जबकि वही जो वीडियो है अगर आप किसी ड्यूल कोर प्रोसेसर वाले फोन में देखेंगे, जैसे कि आईफोन का एग्जांपल ले लूं मैं, तो उसमें वो चीजें देखने में आपको एक अलग ही मजा आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन लेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आखिर आपका यूजर्स किस टाइप का है। पांचवी और आखिरी मिथ की बात करूं तो ये आता है कि भैया मेरे पास क्या है पता है, एप्पल है एप्पल, इसमें कभी वायरस नहीं आता। देखिए अब आपके भी कई सारे दोस्त यारों में ऐसा होगा, और कई दोस्त यारों के पास आपके आईफोन भी होगा या फिर आपके पास भी होगा, और कई लोगों ने ये आपने भी सुना होगा कि भैया एप्पल में कभी वायरस नहीं आता। तो भैया आपको सीधे सीधी बात बता दूं कि ऐसा नहीं है, कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम बने ही नहीं है मेरे हिसाब से जिसमें वायरस ना आता। खैर एप्पल इसलिए लकी हो जाता है क्योंकि भैया जहां पे 1 लाख मतलब विंडोज PC चल रहे हैं वहां पे कहीं मुश्किल से 1000 होंगे एप्पल या फिर उससे भी कम डिवाइसेस होंगे। अब विंडोज का क्या है, अब हर घर में आपको पता होगा कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, और मैक्सिमम तो उसमें भैया बस प्री एक्टिवेटेड डाउनलोड किए चला रहे हैं, पायरेसी का इतना बेकार खेल है चल रहा है, और एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज कम किया जाता है, तो इस वजह से एप्पल जो है बच जाता है। बाकी ऐसा नहीं है भाई कि नहीं एप्पल का डिवाइस है मतलब उसमें वायरस नहीं आना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे सभी नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बात पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूं और बिल्कुल लाऊंगा। साथ में एक अनाउंसमेंट आपके लिए ये भी है कि भैया अब मैं आपके लिए चालू कर रहा हूं एक टेक न्यूज की सीरीज, जहां पे आपको डेली बेसिस पे जो भी टेक न्यूज है वो आपको मिल जाएंगी, वो भी थोड़े मजेदार अंदाज में। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।